धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जिगुआ यहाँ कब आई? मॉम मैंने आपको बताया तो था मैं इंडिया आ गई हूँ और कोको के साथ रुक रही हूँ। हाँ हाँ बताया था, लेकिन तू यहाँ कब से है? 2 हफ्ते से। हे द्वारकाधीश, देखो तो सही ये लड़की को, 2 हफ्ते से यहाँ पे है और मुझे मिलने तक नहीं आई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ खुद चली आई, वरना ये तो मुझे मिले बगैर ये विदेश लौट जाती। माँ दरअसल मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया है चिगना के विषय में बात करने के लिए। हाँ हाँ तूने ही बुलाया है तो बोलना, शू छे बात? मॉम बात यह है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैंने लड़का भी पसंद कर लिया है। अरे तू लगन करना चाहती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। बता कब करने वाली है लगन? माँ ये आप क्या कह रही हैं कि कब करने वाली है लगन? ये कोई बात हुई? जरा आप ही सोचिए, इस उम्र में कोई शादी करता है? हाँ, तेरी बात भी ठीक है। मॉम शादी उम्र देख के नहीं प्रेम देख के की जाती है। बिल्कुल, लेकिन अधेड़ उम्र में शादी करने के बाद रहना तो तुम्हें समाज में ही है। माँ समाज वाले क्या सोचेंगे, हमारे परिवार पर इन पर उंगलियां उठाएंगे। माँ आप ही समझाइए इसे। कैसी बहन हो तुम कोको, जिसे अपनी बहन की खुशियों की नहीं बस समाज की पड़ी है, लोगों की बातें बनाने की उंगलियां उठाने की पड़ी है, लेकिन अपनी बहन की खुशियों की उसे कोई फिक्र नहीं। सच तो यह है कि तुम्हें तो बस सिर्फ अपने और अपने परिवार के नाम और रुतबे की पड़ी है और कुछ नहीं। सच कहा तुमने, मुझे मेरे परिवार के रुतबे नाम और इज्जत की हमेशा चिंता लगी रहती है। पर तुम बताओ, क्या तुम पूरा यकीन के साथ कह सकती हो कि शादी के बाद तुम शादीशुदा होने की जिम्मेदारी निभा पाओगी? ये कैसा सवाल है कोको? क्या तुम नहीं जानती मैं इतने सालों से यूएस में अकेली रहती हूँ और खुद की जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ। गलत। तुम्हारे सारे काम केशव भाई देखते हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक्सक्यूज मी कोको, ना तो तुम कभी यूएस गई हो और ना ही तुमने मुझे वहां रहते हुए देखा है, तो प्लीज मेरी लाइफ पे कोई टिप्पणी मत करना। मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो ही कह रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि केशव भाई इतने सालों से तुम्हारा छोटा सा छोटा काम भी संभालते आए हैं। रेवती तुम देखो ना, ये तुम्हारे दोनों दिक्रियों में कितनी कहासुनी हो रही है। अबे जावा देने जान को, ये दोनों बहनों की पुरानी आदत है, जब भी मिलती है तब झगड़ाए करते रहते। छोड़, चल हम अपनी बात करेंगे, चल चल। नहीं माँ, आपको ये निर्णय लेना ही होगा कि चिगना ये शादी नहीं कर सकती। माँ मैं तो इसे समझा कर थक चुकी हूँ, मेरी बात ये सुन नहीं रही है। तेरी फालतू की बातें मैं क्यों सुनूं? एक मिनट, तुम दोनों बहनें मेरी बात ध्यान से सुनो। कोयली
जिगवा अगर लगन करना चाहती है तो उसे लगन करने दो। तू उसके बीच में मत पड़। पर माँ, और तुम दोनों बहनें इतनी बड़ी हो चुकी हो कि सही गलत का फैसला ले सकती हो। तो ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। आप बड़ी हैं, आपका फैसला सिर आंखों पर। वैसे एक बात तो है, मैं शादी से पहले लड़के को मिलना चाहूंगी, देखना चाहूंगी कि लड़का मेरे जिगवा का वर बनने लायक है क्या नहीं। अगर नहीं जमा तो कोई दूसरा लड़का देखेंगे। ओके मॉम, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। रुक कोयले, तू जाके लड़के को फोन कर और तू मेरे साथ खाना खाने चल। चल किला। मोदी बोल रही हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। खुश रहो। हाँ तो पराग दिख रहा? हाँ जी। अरे पराग, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें तो मेरी जिगवा के साथ लगन करना है ना? मॉम, वो जीजा जी हैं, पराग जीजा जी। शो? माँ, वो अहम के पापा हैं। सारू सारू, मैंने कब बोला हमीर है? समीर समीर, मैं समीर हूँ। हाँ। और आपकी जिग्ना से शादी करना चाहता हूँ। और वो पराग जी, हमारे जीजा जी। कोको बेन के पति। कोको? अब ये कोको बेन कौन है? माँ, मैं हूँ आपकी बेटी कोकिला। सारू सारू। तो मॉम जी, मुझसे जो पूछना है आपको पूछिए। हाँ पूछती हूँ पूछती हूँ, पहले तू बैठ। हाँ जी। तू भी बैठ। दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सचूच तो बोलू छू, मेरी दिकरी तुझसे बहुत सुंदर है। ये तो सच है। अने तू हमीर? हमीर नहीं मॉम जी, समीर। हाँ हाँ हमीर, तू साधारण ही है, इसलिए तो तेरा अब तक लगन नहीं हुआ। तो पराग दिकरा, तुम क्या करते हो? जी मेरा नाम समीर है। हाँ चल समीर है, लेकिन तुम करते क्या हो? जी मेरा डायमंड का कारोबार है। अच्छा, तो तुम जिगवा के दोस्त हो? जी। तो तुम उसके साथ शादी क्यों करना चाहते हो? इसलिए मॉम जी कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करके इन्हें बहुत खुश रखूंगा। मतलब कि मेरी दिकरी को हीरो से जड़ेगा? जी। सारू सारू पराग सारू। मॉम समीर। ओके जाने दो, जो इन्हें बोलना है बोलने दो। माफ कीजिएगा माँ, ये समीर है और ये है अहम के पापा पराग, और वो तेरे पति है। मुझे सब मालूम है, बार बार क्या बोलती है? ऐसे कोयली, लड़का तो है सरसर, काम भी अच्छा करता है, तो फिर सोचने की क्या बात है? अरे
अरे मेरी जिगुआ को खुश भी रखेगा। मने छोकरो कमी कर जिगुआ का लगन ये छोकरे के साथ ही होगा। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी लगेगी पराग और जिगुआ। मॉम, समीर और जिगना। हाँ हाँ, तो मैंने भी तो यही बोला ना, हमीर और जिगना।